गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरो ड्रीम। सो गाइज आज हम चलेंगे, बस आपको पता है आज ब्लैक फ्राइडे है 29 नवंबर 2019। सो वैसे तो ये वहाँ पर यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है, बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसका यहाँ पर भी पड़ जाता है। तो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर, गैजेट्स, स्पेशली आईफोन पर। सो मैं वही दिखाऊंगा आज आपको कि यहाँ पर, वैसे भी नॉर्मली मुझे बताना भी था कि आईफोन के प्राइसेस होते क्या हैं यहाँ पर। सो आज मैं बता दूंगा आपको आईफोन के प्राइसेस एंड उससे रिलेटेड गैजेट्स, एप्पल वॉच अगर वहाँ पर अवेलेबल हुई तो, क्योंकि मैं नॉर्मल स्टोर पे जाने वाला हूँ, एंड अदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके बारे में। सो चलते हैं। तो मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलता हूँ कहीं पर भी जाने के लिए, तो मुझे यूनिवर्सिटी के दर्शन करने पड़ते हैं, बिकॉज हर टाइम ऑन द वे रहती हैं, बिकॉज जो मेरा अपार्टमेंट है वो बहुत क्लोज़ है यूनिवर्सिटी के। सो हम लोग जब भी यहाँ से निकलते हैं तो यूनिवर्सिटी को पहले क्रॉस करना रहता है। ये रही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, एंड ये मैंने साइकिल ख़रीदी थी, शायद इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं था तो मैंने परचेस की थी, एंड ये मुझे कितने की, फेसबुक मार्केट से मैंने एक इटालियन के नंबर निकाला था एंड वहाँ से उसे कॉन्टेक्ट किया था, तो मुझे 60 यूरोज़ में दी थी, बट इसमें मैंने थोड़ा बहुत काम भी करा तो 70 यूरोज़ की पड़ गई, मतलब फिर भी 5000 की साइकिल, वो भी सेकेंड हैंड, कैन यू इमेजिन। बट ठीक है यार, नीड थी उस टाइम पर तो ख़रीद ली। एंड देखिए यहाँ पर जब किसी भी चीज़ का प्रमोशन ऐसे होता है, देखो कार पे प्रमोशन, सो एक ये भी यूनिक आइडिया है। एंड इस रूट से आप रोम जा सकते हैं, रोम एंड दिस रूट फॉर नेपल्स। साइड पर वॉर सेमेट्री है, यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स के ग्रेवयार्ड्स है जो कि वर्ल्ड वॉर टू में शहीद हो गए थे। सो वो मैं दिखाऊंगा आप, उसके लिए मुझे आपको आपको मुझे सॉरी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। सो फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पर अभी तक नहीं गया हूँ बट मुझे जाना है, एंड जब जाऊँगा तो इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर शेयर करूँगा ग्रेवयार्ड्स की, एंड नाम भी। ये घर बहुत प्यारा लगता है मुझे, बिकॉज शाम को मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ, देखो वो अगर चेयर्स आपको दिख रही हो, ये चेयर्स पर एक अंकल और एक आंटी बैठे रहते हैं, वो हमेशा मुझे जब भी देखते हैं तो मुझे चाओ बोलते, पहचानते हो मुझे बहुत अच्छे से। तो ये तो देखो यहाँ पर कैसीनो के अमीर लोग रहते हैं। तू क्यों भौंक रहा है मेरे भाई? तो आपको इटली का ट्रैक्टर भी दिखा देता हूँ, सेम होता है इंडिया जैसे ही, बट टायर्स थोड़े मोटे हैं। एंड ये लास्ट ईयर ये जो अलका पौने रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं रहता था, इसके ऊपर लास्ट ईयर। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते वो, बट अब यहाँ देखो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट यहाँ के मौसम के बारे में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अब ये विंटर सीज़न है यहाँ पर एंड रेनी सीज़न भी है, सो मिक्स होता है दोनों, ठंड और बारिश साथ में जब होती है तो कैसा लगता होगा सोचो। ये छोटी सी नदी, इवन यहाँ पर इटालियन स्विमिंग भी करते हैं, बहुत प्योर है, प्योर वाटर है बिल्कुल, मेरे को इसके अंदर का ग्राउंड भी दिख रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि एक यूरो, वन यूरो में यहाँ से मैं वहाँ ट्रैवल कर सकता हूँ, जैसे मुझे अगर सेंटर में आना हो तो, मैं थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ। एंड ये है काफ ऑफिस, जहाँ पर आते हैं परमिशन दी सुजर्नो को अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले किट यहीं से लेना पड़ती है, ये CISL काफ ऑफिस। एक फ्रेंड है रज़ा, राजस्थान से, सो वो भी साथ में जाएगा, देखते हैं दोनों साथ में जाएंगे, तो अभी तो उसके घर पर जा रहा हूँ, मिलते हैं उससे। शाही एंट्रेंस इसकी घर की, स्पीड ब्रेकर भी बना के रखा है घर में। दो दो स्पीड ब्रेकर, कौन सा घर है अपना?
पूरा एरिया, अच्छा ये एरिया है पूरा कवर अप है। वाह ब्रो, ऐसे घर होते हैं। हो गए, ये पूरे नेम्स लिखे रहते हैं हाउस ओनर्स के। एंड मैं पहले साइकिल को यहाँ पर रख देता हूँ, साइकिल। चलो, कौन से फ्लोर पे ब्रो? फर्स्ट फ्लोर के सामने। ये वाला खुला रखा है तुम्हें? वाह यार, ये घर है तेरे भाईजान रजा का। बढ़िया, सफाई अभी करी। अच्छा हो, सफाई कर दी। डाइनिंग टेबल है, किचन है, मेरा कमरा उधर है भाई। ये साफ सफाई है क्या मेरे भाई? नहीं अभी इसकी है। नहीं यार, साफ सफाई वाला कमरा है। कौन सा ये? वो ये वाला किस करूं मैं? ये वाला ये मेरा पर्सनल पाशा भाई का। नहीं सबके पर्सनल। वाह यार, ये है रूम। और भाईजान कैसे हैं? भाईजान ब्लॉग शूट कर रहा था। चलो तैयार हो जाओ फटाफट। हे इसी, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? गुड ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग ब्रो, आई एम शूटिंग ब्लॉग। मैं और अब्दुल फादर भाईजान आप करूं। अच्छा यार, एकदम ये देखो पीछे एकदम। वाह यार, इसकी दो लाइट कहाँ चली गई? चला नहीं रखी। चलो ठीक है, हो गया। क्रिसमस की तैयारियां चालू हो चुकी हैं यहाँ पर। ओ कैसीनो पे पहली वीडियो बन रही है। कैसीनो पे शायद, हाँ पहली है। नहीं, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं डाल रखी। अरे यहाँ पे डालने लायक ही क्या? नहीं, जो किसी ने कैसीनो के बारे में बताया यूनिवर्सिटी का। क्रिसमस की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। गाइस, जहाँ पर मैं रहता हूँ कैसीनो, ये थिएटर है एंड ये है चर्च। यहाँ पर सबसे बड़ा चर्च है यहाँ का। तो गाइस, मैं आज आपको मेरे फ्रेंड जो पाकिस्तान से है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे क्लासमेट भी है, सो उनसे मिलवाना चाहूँगा। अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं आप सबको। एंड ये जैसे मैं बता चुका हूँ रज़ा, और यू नो इनका मतलब जो भाईजान है वो हैदराबाद से है पाकिस्तान के। तो भाईजान, आप मेरे जो सब्सक्राइबर है पाकिस्तान के, मोस्टली जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो आने का सोच रहे होंगे, तो आप क्या उनको बोलना चाहेंगे? मैं आपके पाकिस्तानी सब्सक्राइबर को बोलना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि स्कॉलरशिप कैसीनो के लिए है या इटली के लिए है, तो वो आपका चैनल देखें और स्कॉलरशिप की मालूमात हासिल करें। ऐसा मैंने बोला नहीं है, इन्होंने खुद सोचा और बोला ऐसा, है ना? ध्यान रखना ये बात। थैंक यू। पहुँच गए यामो रॉटेट, एक ये छोटा सा स्टोर है यहाँ पर। बड़े स्टोर पर जाएंगे तो रात ही हो जाएगी हमें। एंड आईफोन शायद अंदर है, तो चेक करते हैं चल के। देखो मैं आपको आईफोन के प्राइसेस बताता हूँ। ये सेकेंड हैंड आईफोन से शायद, ये एक्सेस है 256 GB। कितने का? 849 यूरो का। ओह माय गॉड। ये है आईफोन 6 SE 179 यूरो का। ओह माय गॉड। 7 32 GB का है, 300 यूरो का, मतलब 23,000 रुपये का। एंड एक्सेस मैक्स 749 यूरो का है, तो आप इसको 79 से मल्टीप्लाई कर लेना तो पता चल गया। ये है आईफोन्स यहाँ पर। एंड मैं देखता हूँ आईफोन 11 है 839 यूरो का, 79 से मल्टीप्लाई कर लेना आप। एंड प्रो पड़ रहा है 1200 यूरो के आसपास, 64 GB। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा।